हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म दोगो। दोस्तों, आप सभी का प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। माय नेम इज़ रजत। दोस्तों, एवरीथिंग इज़ इजी। दोस्तों, ये लास्ट क्लासेस में मैंने ये एसएससी का जो बुक आता है, एक किरण का पब्लिकेशन का, इसमें एसएससी के एग्ज़ाम और जितने भी रिलीवेंट गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं, वन डे एग्जामिनेशन, उन सारे क्वेश्चन का ये पैकेज है। एक तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का 11,000 से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें बेटा हैं। तो इनका मैंने स्टार्ट किया है प्रैक्टिस कराना, आपको प्रीवियस क्वेश्चन का सोल्यूशन कराना विद कॉन्सेप्ट के साथ। यानी जो भी कॉन्सेप्ट उस क्वेश्चन में लग रहा है उसको मैं आपको डीप बता दूं बस खाली। और मैं इसमें ज्योमेट्री में स्टार्ट कर चुका हूँ। सबसे पहले ज्योमेट्री स्टार्ट किया था, टाइप 1 ख़त्म कर दिया, टाइप 2 ख़त्म कर दिया, टाइप 3 का आधा पार्ट ख़त्म हो चुका है। और यहाँ पर अब परसेंटेज स्टार्ट किया अर्थमेटिक में, जिसमें टाइप 1 का मैंने 2 वीडियो कर दिया है। आज उसका तीसरा वीडियो करेंगे। दोस्तों, मैं अनअकैडमी प्लस एजुकेटर हूँ, और अनअकैडमी पे मेरा कोर्स प्लस कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जो कि 7 जुलाई से चालू हो रहा है ना। ये इस कोर्स में मैं अर्थमेटिक में प्रॉफिट एंड लॉस से क्लास करने वाला हूँ, और एडवांस में मैं अलजबरा से करने वाला हूँ। तो आप इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। इनको क्लास को ज्वाइन करने के लिए आपको ये कोड यूज़ करना पड़ेगा, RajatYT10, किसी भी अनअकैडमी कोर्स के लिए। और ये मैं लास्ट क्लास में पढ़ा चुका हूँ, तो थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। ये क्वेश्चन कराया था, ये करा दिया था, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46। अच्छा, ये हो गया था, है 49 तक क्वेश्चन करा चुका था। आज की क्लास 50 के ऊपर। ये पीडीएफ भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं, डाउनलोड मतलब ले सकते हैं। इस पीडीएफ का जो डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे रखा है। आउट ऑफ टू नंबर, 40% ऑफ ग्रेटर नंबर इज इक्वल टू 60% ऑफ स्मॉलर नंबर। तो देखिए, आपके पास दो सिचुएशन है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे लिखा है 5a बराबर 7b लिखा हुआ है। तो ए और बी का रेशियो क्या होगा मेरे भाई? 7:5 होता है। तो जब रेशियो 7:5 होता है, यानी रेशियो इधर से इधर आता है, तो अब आपको डायरेक्ट क्या करना है, इसको ऐसे लिखना है, 60 इधर 40 उधर, 60% रेशियो 40%। टाइम बचाना है, 3:2 आ गया। सम 150 है, यानी 5 की वैल्यू 150 के बराबर है, 1 यूनिट की वैल्यू 30 के बराबर है। ग्रेटर नंबर निकालना, तो 30 × 3 90, ये ग्रेटर नंबर है, 90। कह रहा है कि 80% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 80, 80% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 80, गिव द नंबर इटसेल्फ। यानी 100% में 80% जोड़ा गया था, तो 100% यहाँ पर हमको मिलता है। इसका डिफरेंस लेंगे, परसेंटेज से परसेंटेज को डिफरेंशिएट करेंगे, यानी माइनस करेंगे, तो 20% आ जाएगा। ये वैल्यू 80 के बराबर है, तो 20% 80 के बराबर है, तो नंबर निकाला 100% कितना, ये 5 गुना हो रहा है, तो 8 का 5 गुना करेंगे, 40 आ जाएगा, 400 नंबर। कह रहा है कि 120%, 120 एक संख्या का 20% है। 120 क्या है? एक संख्या का 20%। 20% कितना होता है? 1/5 होता है। और एक संख्या का 20% यानी 1/5, 120 दे रखा है, 1/5। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 5 × 120 यानी 600 आ गई। अब कह रहा उसी का 120% निकालना है, तो 120 निकाल दिए, 600 का 120%, यानी 20% बढ़ा दिया जा रहा है एक तरह से, ये कह दिया जाए, तो 12×72 720 नंबर आ गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 53 हमसे कह रहा है कि 60 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 60 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 60% ऑफ ए नंबर। यानी 60% किसी नंबर से 60 को घटाया जाता है, रिजल्ट 60 बन जाता है। तो 60% की वैल्यू कितनी होगी? 120 होगी। निकालना क्या, संख्या निकालनी है, तो 1% की वैल्यू होगी 2 के बराबर, तो 100% की वैल्यू 200 के बराबर होगी। ये वैल्यू 200 आ गई, ठीक है भाई, 200 आ गया। 75% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू 75, एक सेकेंड कॉल आ रहा है, 75% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू 75, रिजल्ट द सेम नंबर, यानी 100%। इसको माइनस करेंगे तो 25% आ जाएगा, और ये 75 के बराबर हो जाएगा। 1% की वैल्यू 3 के बराबर है, 100% हो जाएगा, 300 के बराबर है। पचपन जो क्या कह रहा है, कह
कह रहा है कि दो नंबर है 20% या 50% ऑफ ए थर्ड नंबर, यानी कि यहाँ पे तीन नंबर्स की बात की गई है, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। अगर तीसरी संख्या को मैंने 100 मान लिया, ये लेट एज्यूम कर लिया, ठीक है 100 माना है, तो एक पहला नंबर 20%, 100 का 20% 20 होगा, दूसरा नंबर 50% है तो 50 होगा। कह रहा व्हाट परसेंट इज द फर्स्ट नंबर ऑफ सेकंड, ऑफ के बाद जो होता है डिनोमिनेटर में, तो 20/50 ये 100% कितना हो जाएगा, दो बार कट जाएगा 40% आ जाएगा, 40%। अगला सवाल क्या कह रहा है, दो नंबर्स 25% 20% लेस देन थर्ड नंबर, तो तीन नंबर है ए बी सी मान लेते, तीन नंबर है, तीसरे का नंबर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है तो हमने 100 मान लिया। और देखो भाई 20-25% कम है पहला नंबर, तो 100 में 25 कम होगा 75 होगा, और 20 कम होगा तो ये 80 होगा। सवाल कह रहा है व्हाट परसेंट इज फर्स्ट नंबर ऑफ द सेकेंड, ये निकालना हमको, 20 चौको 80, 20 पंचे 100, 75 पंचे होता है 225/4, 225 होता है बेटा 4 पंचे 20, 75 पंचे कितना होता है, एक सेकेंड, 75 × 5, 5 × 25, 5 × 35 और 2 × 37, तो 4 × 9 = 36, और 1 × 4 = 12, और 2 × 4 = 28, और 4 × 5 = 20, 93.75% डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द सम ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन स्कूल इज 150, यानी जो बॉयज और गर्ल्स हैं उनका जो सम है वो 150 के बराबर है, 150 के। इफ द नंबर ऑफ बॉय इज एक्स, बॉय का नंबर एक्स है, देन गर्ल्स बिकम द एक्स परसेंट, गर्ल्स क्या हो गई हैं, एक्स परसेंट हो गई हैं, यानी कि द नंबर ऑफ बॉयज इज एक्स, नंबर नंबर ऑफ गर्ल बिकम्स एक्स परसेंट, यानी ये क्या हो गई, एक्स परसेंट हो गई, लड़कियां जो हो गई वो एक्स परसेंट हो गई, ये मैंने एक्स परसेंट लिख दिया, एक्स परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी कि 150, ये टोटल नंबर स्टूडेंट है और ये वैल्यू 150 के बराबर है। बॉयस निकालना है यानी एक्स की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, 150 का मतलब क्या होता है बेटा, 50 × 150 और 50 × 100, यानी 3x/2 हो जाएगा बराबर 150, यहाँ पर 2 LCM आ गए, ऊपर 5x हो गया, नीचे 2 हो गया, बराबर 150 हो गया, ये कट जाएगा 30 आ जाएगा, 30 × 60 आ जाएगा, बॉयस 60 है और लड़कियां कितनी होंगी, 90 हो जाएंगी, बॉयज 60 है, गर्ल्स 90 हो जाएंगे। कह रहा 18% ऑफ विच नंबर, 18% ये 18% हो गया, यहाँ पे कौन सा नंबर आए जो इक्वल होगा 75%, 12 का 75% बोल रहा है, 3/4 कर दो, देखो 12 का 75% बोले या 12% का 75 बोले, बात बराबर है, दोनों का मल्टीप्लाई होना है, तो ये कट गया, ये आ गया 9, तो 18 में यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करें 9 आ जाए, देखो ये तो लिखा हुआ है हमारे पास, 9 से कट गया 2 और ये 50, तो 50 चाहिए हमको मल्टीप्लाई करने के लिए, देख लीजिए 18/100 में अगर हम 50 का मल्टीप्लाई कर दें तो 9 मिल जाएगा हमको, तो 9 आंसर था। अगला सवाल क्या है, डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 1660, यानी दो संख्याओं का अंदर 1660 है, 6 से 1/2% ऑफ वन नंबर इज 8/8 से 1/2% ऑफ अदर नंबर। हमने क्या कहा था, इसको अलग पलट लेंगे आप, 8 × 16 और 1 17/2, और ये 6 × 12 13/2, इनका जो अंतर दे रखा है वो हमको 1660 दे रखा है, ये रेशियो है, पहले रेशियो लिखते पहले इनका, ये दो रेशियो है बेटा, इसको हटाओ भी, दो संख्याएं इनका रेशियो लिखा 17 और 13 आ गया, कितना आ गया 17:13, ये आ गया, इनका जो डिफरेंस है 4, ये दे रखा है 1660, एक की वैल्यू आ गई 4 × 15, एक की वैल्यू 415 आ गई, निकालना क्या है हमको, स्मॉलर नंबर 13 की वैल्यू, 13 × 415 यूनिट डिजिट 5 आएगा, 13 × 52 यानी 52 के आसपास आना, यानी नंबर ये आएगा, डायरेक्ट कर सकते हैं, एक बार देखें सर सिस्टम सही चल रहा है, यस एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, ओके आइए देखते हैं। कह रहा 75 इज एडेड टू 75% ऑफ अ नंबर, द रिजल्ट इज अ नंबर, रिजल्ट क्या बन जाता है, नंबर बन जाता है 100, 100%, 75 इज एडेड टू 75% ऑफ ए नंबर, द नंबर इज द आंसर, आंसर इज द नंबर, तो ये हो गया 25% इधर चला गया,
ये वैल्यू 75 के बराबर है, 1% की वैल्यू 3 के बराबर है, 100% कितना हो जाएगा, 300 के बराबर आ जाएगा। संख्या आ गई हमारी 300, 40% निकालना है तो 40/100 कर दिया, कट जाएगा तो 120 आ जाएगा। अगर संख्या बोलता तो आंसर 300 होता, संख्या का 40% बोला है तो 120 आंसर हुआ। आगे देखिए, द नंबर इज टू बी एडेड 10% ऑफ 320, 320 का 10% करेंगे तो कट जाएगा, 320 का 10% करेंगे तो कट जाएगा तो 32 आ जाएगा, 230 का 30% करेंगे कट जाएगा, 23 69 आ जाएगा। तो कह रहा है इसमें क्या जोड़ें कि ये हो जाए, तो इसका डिफरेंस ले लो भाई, 32 में 2 में 2 7, 6 में 3 3, 37 जोड़ दें। अगर हम लोग 32 में 37 जोड़ दें मेरे दोस्त, तो 69 आंसर आ जाएगा, 69 आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं, x इज 20% लेस देन y, x जो है 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5 होता है, x है y से लेस देन, y अगर 5 है, 5 का 20% कम है यानी 1 कम है तो 4 हो गया, तो x y माइनस x निकालना है तो 5 - 4/5 और एंड लिखना है, x यानी x कितना है यहाँ पर 4/4 - 5, तो ये हो गया 1/5 और ये हो गया -4, तो ये वाला आंसर आ गया। आइए देखते हैं, 1% 1% 25% 1000, देखो 1% होता है 1/100, ये यहीं पे कट कर देते हैं, 1% से ये 2 0 कट गए, ठीक है, और 25% होता है 1/4, तो ये 1% यानी 1/400 × 10, ये कट गया 1/40 आ गया, 1/40 तो 1/10 होता है 0.1 और ये 4 लिखा हुआ है, 4 कितना होता है भाई, 1/4 होता है 0.25, 0.25 0.1 का मल्टीप्लाई करेंगे 0.025 आंसर आ जाएगा, 0.025। अगला क्वेश्चन देखिए, 25% ऑफ 120, 25% कितना होता है, 1/4 होता है, एक कट जाएगा 30 आ जाएगा, प्लस 40% होता है 2/5, चाहे 0 से 0 काट दो, 4/32, 4 3 12 और 2 12 3 15, 4 8 32, 4 3 12 और 3 15, 152 हो गया। ये बोला 637 का कितना है, कितना हिस्सा है, तो ये कितना हो गया, 2 15 3 18 हो गया, 182, यहाँ पे 637 लिया है। इसको काट के देखते हैं, देखो 7 आ रहा है नीचे, नीचे 7 आ रहा है यानी 7 से कटेगा, 7 9 63, 7 91 7, यानी 91 से ऊपर भी कट रहा है तो 91 का 2 गुना लिखाओ, तो नीचे 2/7 आएगा, यानी ऊपर भी 91 से काटा गया, नीचे भी 91 से कट किया, 2/7 आ गया। विलेज में 30% पॉपुलेशन क्या है, इलिटरेट है, टोटल पॉपुलेशन 6600 है, टोटल पॉपुलेशन 6600 है, देन नंबर ऑफ इलिटरेट निकालने हैं। देखो विलेज में जो 30% पॉपुलेशन क्या है वो इलिटरेट है, इफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इज 6600 देन द नंबर ऑफ इलिटरेट, बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा। विलेज की जो 30% आबादी है वो साक्षर है, यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600% हो तो निरक्षर कितने होंगे, यानी कि आपसे ये पूछ रहा है यहाँ पे कितने परसेंट लोग हैं जो इलिटरेट, अगर 30% गांव में पढ़े लिखे हैं तो 70% क्या होंगे, इलिटरेट होंगे, 70% इलिटरेट होंगे। तो सवाल क्या कह रहा है कि कुल जनसंख्या हमारे पास कितनी 6600 है, यानी 100% अगर इतना है तो ये 6600 के बराबर है, 30% अगर पढ़े लिखे हैं तो कितने अनपढ़ होंगे, 100 में 30 चला गया, 70% की वैल्यू क्या होगी, 6600/100 × 70, 2 0 कट जाएंगे, 0 7 6 42, 7 6 42 और 4 46, तो 4620 इसका आंसर आएगा। अगला देखो, 8% जो है एक्स का वो 4% ऑफ वाई के बराबर है, तो भाई हमें निकालना है वाई 20% निकालना है, यहाँ पे 20% बनाना है हमको, 20% बनाने के लिए हमने यहाँ से 2 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड कर दिया, 2 आ गया, 20 से मल्टीप्लाई कर यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 10 आ गया, 10y इसका आंसर हो गया 10। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा किसी संख्या के 3/4 का 4/5 का 40% 20 × 40 = 148 है, तो ये 4 से 4 कटा, 3 × 6 = 48 कटा, 1 की वैल्यू कितनी आ गई,
8 5 40 25 200 आ गए। तो 1% निकालना है तो 100 से डिवाइड कर दीजिए, 2 आ गया, 1% 2 के बराबर। अगला क्वेश्चन, द सम ऑफ 16% ऑफ 24.2। अब देखो क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बताई थी, क्या बताई थी, ए परसेंट ऑफ बी इक्वल टू बी परसेंट ऑफ ए होता है। ये आप एक चीज़ जानिए, ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पर, ऐसे यहाँ पे कोई भी चीज़ लिखी हुई है, यहाँ पे मान लो 7.5% ऑफ कुछ भी लिखा है, 275 लिखा हुआ है, या हाँ 275 लिखा हुआ है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसका डेसिमल हटा सकते हैं, 70, ये 7.5% लिखा हुआ है, तो इसको हम 75% लिख सकते हैं, ऑफ 27.5 लिखा जा सकता है। हम डेसिमल की शिफ्टिंग कर सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, ठीक है मेरे भाई, ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया मैंने, तो 24.2 इसको मैं 242 लिखूंगा का 1.6% लिख लूंगा ये, और इसको ऐड कर, इसको भी मैं 242 बनाऊंगा का 10%, 10% 0.10%, ये हमने फ्रैक्शन लिख दिया। 242 यहाँ से कॉमन ले लिए दोनों जगह से, जैसे कॉमन ले 1.6 में 0.016 जोड़ेंगे, 0.10 यानी 0.10 का मतलब कितना है, 0.617, 1.7, तो 1.7 आ गया मेरे भाई, 1.7 का मल्टीप्लाई करो 17 2 34, 17 4 68 और 3 71, 17 2 34 और 7 41, और पॉइंट लगा था, एक पॉइंट के बाद जीरो लगा दिया, परसेंटेज आ गया। अब नंबर चाहिए तो परसेंटेज हटेगा, 2 जीरो इधर आ जाएंगे, यानी 4.114 ये आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, देखो सिस्टम ठीक चल रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। व्हाट परसेंट ऑफ 15 घंटे इन 18 सेकंड, 18 सेकंड ऊपर लिखा हुआ है, 18 सेकंड, सेकंड के ऊपर लिखेंगे, ऑफ के बाद जो होता है नीचे आएगा 15 घंटे, कन्वर्ट करेंगे 18 घंटे, 18 सेकंड लेगा 15 घंटे, यानी घंटे को मिनट में, मिनट को सेकंड में, और 100 से मल्टीप्लाई कर परसेंटेज, ये 0 से 0 कट गया, 6 3 से 18, 3 2 6, 1/30% आ गया आंसर, ये आंसर है। अगला देखिए कह रहा है कि एक्स एक्स का एक्स का नहीं एक्स परसेंट लिखिए यहाँ पर, एक्स परसेंट का एक्स परसेंट लिखा हुआ है यानी एक्स बटे 100, वाई परसेंट लिखा है वाई बटे 100, ऑफ 80 यानी 80 लिखा हुआ है, 80 ये सेम है, 25% ऑफ 900 का ये बटे 4 कर दिया, हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, 20 चौको 80, 20 पंचे 100, 4 से कट के 25 आ गया मेरे भाई, ये भी 4 से कट गया, 4 2 8 और 1 इधर आ गया, कैरी हो गया, यानी आप यहाँ पे 9 × 25 कर लेंगे, 225 आ जाएगा जी, तो x इंटू वाई कितना आ गया, 225 × 25 × 5 ये आ रहा बेटा, है ना, x परसेंट लिखा, y परसेंट लिखा, 80 लिखा, 25% का 1/4 लिखा, 900 लिखा, 20 चौको 80, 20 पंचे 100 करा, 4 × 4 से 25 किया, 25 पंचे 125 किया, ये 25 पंचे 125 हुआ है, 225 यानी 1 × 125, इसका मल्टीप्लाई लास्ट में 5 आना है, यूनिट डिजिट 5 आना है, यानी आंसर केवल यही होगा। अगला देखिए क्या क्या था, यूनिट डिजिट लगाया था, यूनिट डिजिट 5 × 5, आखिरी वाला आंसर 5 आना है, तो ये आंसर आना है। आंसर नंबर 71 क्या कह रहा है, एक सेकंड देख लेता हूँ, ओके, अ सप्लाई ऑफ जूस लास्ट फॉर 35 डेज, यानी कि हमारे पास रस की आपूर्ति 35 दिनों तक रहती है, यदि इसका उपयोग 40% तक बढ़ाया जाता है, 40% तक बढ़ाया जाए, 40% का फ्रैक्शन होता है 2/5, यानी पहले 5 था यूज, अब इसका बढ़ाकर 7 कर दिया गया है, तो कह रहा है सेम अमाउंट है, यानी सेम अमाउंट है तो ये 7 5 हो गया, यानी कि जो आपूर्ति है, जो इसका सप्लाई और जो इसका हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो हमारे अमाउंट के बराबर है अमाउंट, तो अब जब ये कांस्टेंट है तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा, और इसका जो रेशियो वो पलट जाएगा, जैसे ये था सप्लाई का रेशियो, यूज़ का रेशियो, तो सप्लाई का रेशियो अगर 7, पहले 7 था तो 7 मतलब क्या, पहले 35 दिन तक सप्लाई रहती थी, 5 गुना सप्लाई थी, अब कितनी हो जाएगी, 5 का 5 गुना यानी 25 दिन तक सप्लाई रहेगी,
25, क्योंकि यूज़ बढ़ा है तो सप्लाई कम हो जाएगी, है ना, स्टोरेज कम हो जाएगा 25 डिग्री। ये सारे क्वेश्चन आपके सीजल टीयर टू में आए। यदि ए का ये 60% का है, यहाँ पे 60% लिख दो, यहाँ पे 60% लिखो, यहाँ पे क्वेश्चन हिंदी में गलत है। 60% ऑफ, यानी ए का 60%, ए का 60% 30% बी के बराबर, परसेंट से परसेंट कटा, 30 से 2 कटा, यानी बी बराबर कितना आ गया, 2A आ गया, बी बराबर 2A आ गया। जैसे यहाँ पर 2A रखेंगे, ये कट जाएगा, 20 हो जाएगा, यानी सी बटे ए कितना आ जाएगा, सी बटे ए। मैंने क्या करा, फिर से देखो, ये बी बराबर 2A आ चुका है। हमें सी और ए में रिलेशन चाहिए, क्योंकि हमें क्या चाहिए, सी बटे ए चाहिए, वही एक्स परसेंट के बराबर है, हमें सी अपॉन ए की वैल्यू चाहिए। बी बराबर 2A आ चुका है, यहाँ पर 2A पुट कर देंगे, बराबर 40% ऑफ सी, ये 40%, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 20% हो जाएगा। सी बटे ए की बात करें, सी बटे ए, तो 1/20% आ जाएगा ये, यानी ये वैल्यू कितनी, 1/20% के बराबर है एक्स परसेंट। हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो ये कितना हो गया, 100 हो गया, 20 × 5 = 100, ये परसेंटेज इधर आ गया 500, तो ये वैल्यू कितनी होगी, 500 होगी। पॉइंट क्लियर है, कोई घबराहट वाली बात नहीं है, किसी तरीके की कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन रह गया तो मैं आपको कन्फ्यूजन को यहाँ पे क्लियर करता हूँ। सी अपॉन ए बराबर एक्स परसेंट था, ये 1/20 बराबर, ये 1/20% था, 20% मतलब 1/100 था, यानी कि 5 लिखा हुआ है, सी बटे ए की वैल्यू 5 है, यानी ये 5 आ गया। एक्स परसेंट बराबर 5 है, तो एक्स बराबर कितना आ गया, 5 × परसेंटेज, यानी 100 डायरेक्ट, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं पर रखते हैं, आज की क्लास हमारा ये सेकेंड टाइप थर्ड था, आज की क्लास पे रखते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। अगर हमारा काम अच्छा लग रहा है आपको, हमारी क्लासेस अच्छी लग रही है, इस क्लासेस में केवल और केवल मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहा हूँ और कॉन्सेप्ट का डिस्कशन कर रहा हूँ। अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर अपना टॉपिक का नाम लिख दीजिए कि सर मुझे ये टॉपिक डिटेल पढ़ना है, तो ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट जो होंगे मैं उनके अकॉर्डिंग वो टॉपिक को डिटेल में पढ़ाऊंगा खतरनाक तरीके से। और अपने जहाँ भी रहते हैं इस वीडियो को प्रमोट करिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।